रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 13 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। आदतन अपराधियों को बार बार समझाइश के बावजूद इनके आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आम जनता के लिए हितकर नहीं है, जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने शिवम उर्फ शिवानंद पांडे निवासी महदिल हाल मुकाम ढेकहा रीवा, शिवा उर्फ मोहित यादव निवासी चौराहटा हाल मुकाम ढेकहा, सचिन पाठक निवासी बरौली ठकुरान, बिपिन पाठक निवासी बरौली ठकुरान, विकास केशरवानी निवासी वार्ड क्रमांक 9 चाकघाट तथा मोहम्मद रफीक उर्फ कल्लूनी को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी ब्रिजेश निवासी लॉरी नंबर 1, पुष्पराज मिश्रा निवासी बधरी, सौरभ सिंह निवासी तिलखन, मोहित सिंह निवासी गभुआनी, रवि शर्मा निवासी टीकर जकीरा टोला, देवी लोनिया निवासी वार्ड क्रमांक 5 पुराना बस स्टैंड रीवा तथा पंकज मिश्रा मनिकवार नंबर 2 को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।